आपने बजट 2022 पर 22-23 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। 23 फरवरी 2000 माननीय मुख्यमंत्री और अगले ही दिन यानी 24 फरवरी 2022 से इस बजट पर वाद विवाद चालू हुआ। सबसे पहले हमारी पार्टी के उपनेता, मेरे पिता के सहयोगी और मेरे चाचा आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ साहब ने अपना वक्तव्य रखा और जिस तरीके से उन्होंने इस बजट की धज्जियां उड़ाई, तो पक्ष सत्तारूढ़ के साथी जो आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, सभी को चिंता व्यक्त हुई और बजट भाषण पर वाद विवाद छोड़कर वो केंद्र की सरकार पर पहुंचे, केंद्र की नीतियों पर पहुंचे। तो उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि 2024 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 से भी अधिक कई सीटों के साथ वापस सत्ता में आ रहे हैं। आप अपनी 2023 की चिंता करें, कहीं ऐसा ना हो जब 2013 के अंदर आप 21 आए थे और आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर आप 21 से घटकर कहीं 10 से भी घटकर 7-8 पर ना पहुंच जाएं। वो तो आने वाला समय बताएगा। माननीय सभापति महोदय, अगर बात करूं इस बजट की, तो पैरा नंबर 7 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार की जो चिकित्सा बीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया। अन्य जिलों की तो माननीय सभापति बहुत है बात छोड़ें, अगर बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में आने वाले जितने भी बड़े अस्पताल हैं जैसे कि फोर्टिस, मैक्स, ईएचसी, शेल्बी, सीके बिरला, टोंगिया, नारायणा, मणिपाल, व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर मैंने उनके काउंटर पर फ़ोन करके जानकारी चाही कि भाई आपके यहाँ पर चिरंजीवी बीमा योजना का क्या आपने लागू करी है। प्रत्येक अस्पताल ने इस योजना को लागू करने का मना कर दिया कि साहब हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं है। अगर यह हाल प्रदेश की राजधानी का है और बड़े अस्पतालों का है, तो अन्य जिले जो पिछड़े जिले हैं वहाँ पे अस्पतालों का हाल आप जान सकते हैं, वहाँ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं उनका इलाज कैसे होगा ऐसा आप जान सकते हैं। जब चिरंजीवी योजना को अस्पताल लागू ही नहीं कर रहे, तो इस योजना को लागू करने का क्या औचित्य है? राज्य सरकार, मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए, निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय नोडल एजेंसी बनाई जाए और साथ के साथ इसे सभी अस्पतालों में लागू करने के लिए सभी अस्पतालों को बाध्य करना चाहिए। अगर कोई अस्पताल इसे लागू नहीं करता तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी, एक कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान लागू करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पैरा नंबर 40 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ऑफर्ड, दे मस्ट बी रेस्टेड एंड वर्क फॉर, एंड दिस कॉल फॉर प्रेजर्वेंस एंड करेज। और उन्होंने इसका मतलब भी बजट भाषण के अंदर बताया, अवसर प्रदान नहीं होते, उन्हें हासिल करना पड़ता है, उसके लिए काम करना चाहिए और इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता और साहस की। पर मेरा मानना है आज का प्रदेश का युवा इसका जो मतलब निकालता है वो है कि सरकार आपको कोई अवसर प्रदान नहीं कर सकती है, युवाओं को इसके लिए हासिल, इसको हासिल करने के लिए अपना रास्ता खुद खोदना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं प्रदेश का युवा सड़कों के ऊपर है, जितनी भी सरकारी भर्तियाँ हैं सब में कोई ना कोई पेपर आउट हुआ है या अन्य कोई अनियमितताएँ पाई गई हैं, उसके लिए सरकार, उसके लिए युवा रोड पर संघर्ष कर रहा है। और तो और अगर देश की बात करें तो राजस्थान ऐसा प्रदेश है, देश का ऐसा प्रदेश है जहां पे हर दूसरा ग्रेजुएट व्यक्ति बेरोजगार है और राजस्थान इसके अंदर, प्रदेश के अंदर पहले स्थान पर आया है। यह हाल राजस्थान प्रदेश सरकार का है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, और मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान के लगते हुए राज्यों के अंदर वहाँ पे जो उद्योग स्थापित हैं, जैसे राजस्थान के अंदर जो उद्योग स्थापित है वहाँ पे युवाओं को रोजगार के लिए 75% तक प्रावधान किए गए हैं। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जब मुख्यमंत्री जी बजट के अंदर का रिप्लाई दें तो उसके लिए जरूर युवाओं के लिए स्थानीय युवाओं के लिए स्थानीय उद्योगों के अंदर 75 नहीं तो कम से कम 50% एक बाउंडेशन वो तय करें जिससे कि यहाँ पर स्थानीय युवा को वहाँ पर रोजगार मिल सके और वो आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर कर सके। माननीय सभापति महोदय, अगर बात करूँ औद्योगिक क्षेत्र की, तो इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 32 औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे यहाँ पे 2 गांव हैं, रायपुर और रानोट। अभी कुछ दिन पूर्व ही केंद्र सरकार के द्वारा जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो बन रहा है, और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही जयपुर से पनियाला मोड़ होकर चंडीगढ़ को जो रोड जा रहा है उसको जोड़ने के लिए एक रोड की घोषणा की गई है और जल्दी उस पर काम चालू हो जाएगा। ये दोनों गांव उसी के ऊपर पड़ते हैं, उसी लिंक रोड पर पड़ते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जो आपने 32 औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करी है, आप जब बजट रिप्लाई का बजट के ऊपर अपना रिप्लाई दें, तो रायपुर रानोट में करीब 50 हेक्टेयर भूमि सरकार की है वहाँ पर, तो आपको आपत्ति की आवश्यकता भी नहीं होगी, तो आप वहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा जरूर करें।
माननीय सभापति महोदय, सरकार ने पैरा 87 और 88 के अंदर कुल 60 परियोजनाओं के लिए करीब 24,000 करोड़ की कार्य प्रारंभ करने की बात कही है। मैंने पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, मांग की थी, और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी मैंने मांग की थी, और यहाँ पर अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य बैठे, मैंने उनसे भी आग्रह किया था कि आज आप सरकार के अंदर मंत्री हैं तो आप मुख्यमंत्री जी को कहकर जो इसरदा बांध परियोजना है उस योजना के तहत मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ा जाए, जिससे आने वाले समय के अंदर जो पीने के पानी की समस्या मेरे क्षेत्र के अंदर बनी हुई है वो कहीं ना कहीं दूर हो सके। माननीय सभापति महोदय, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया है। कृषि बजट पर तब चर्चा करूँ जब आज उन्होंने एक वादा किया था कि हम 6 घंटे 3 फेज बिजली किसानों को देंगे। आज 6 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 3 से 4 घंटे भी बिजली लगातार उनको नहीं मिल पा रही है। समय समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं तो किसान का बच्चा वहाँ पर परेशान है, वो समय पर पढ़ नहीं पाता है। जिस तरीके से आज उनके हालात वहाँ पर गाँव में सरकार ने कर रखे हैं, तो किसान आज त्राही त्राही वहाँ पर कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, पैरा नंबर 119 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 उप तहसीलों की घोषणा करी। मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंदर मुंडावर तहसील के नीचे 41 पटवार मंडल आते हैं, और एक उप तहसील बनाने के लिए 15 पटवार मंडलों की आवश्यकता होती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पर सोडावास और 2 ततारपुर 2 बड़े कस्बे हैं, उनको भी उप तहसील दिया जाना चाहिए। मंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमराणा को नगर पालिका बनाने की घोषणा की, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही मांग भी करता हूँ, नीमराणा से अलग 2 बड़े कस्बे मुंडावर और शाजापुर मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जब बजट का वो रिप्लाई करें तो शाजापुर और मुंडावर को भी नगर पालिका बनाने की घोषणा करें। माननीय सभापति महोदय, सरकार सड़कों को राज्य के आधारभूत संरचना और विकास में विशेष योगदान के बताती है। अगर बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र की तो जब 48 बंद था, मेरे यहाँ की करीब उसके लगती हुई आसपास की सारी सड़कें टूट गई हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, जब सड़क ही राज्य का आधारभूत संरचना है, तो मेरे यहाँ पर जो सड़कें लगती हैं, जैसे कि शाजापुर से दादिया की ओर 200 फुट से कुतुना काकर होते हुए हरियाणा बॉर्डर की ओर, नेशनल हाईवे 48 से सकतपुरा मानकर रामसिंहपुरा होते हुए हरियाणा बॉर्डर, शाजापुर दादिया रोड से गादली की डाणी होते हुए मानका तक, माजरी से सिलारपुर नागोड़ी गिलौट होते हुए 200 फुट तक, नेशनल हाईवे 48 से जुनाया चाकुर सिरियाणी होते हुए 200 फीट तक, नीमराणा जैपनी जोन से जाट बरोड शाजापुर रोड तक, नेशनल हाईवे 48 से शाजापुर श्याम मंदिर तक, ये सभी सड़कें ऐसी हैं जो आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, और बहुत सारी सड़कें इनमें ऐसी हैं जो हरियाणा बॉर्डर को जोड़ती हैं। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप इसका बजट के अंदर रिप्लाई करें तो कम से कम एक अलग प्रावधान बनाकर, जो हाईवे बंद होने की वजह से सड़कें टूटी उनका एक अलग से प्रावधान बनाकर आप इन्हें जोड़ने का काम जरूर करें। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इस बजट के अंदर कहा कि करीब हमने एक लाख तो सरकारी नौकरियां भरते समय में हो जाए भर्तियों की बात रखी, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्पेशल इंटीग्रेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का उन्होंने संरचना करी, इसी आधार पर एंटी करप्शन सेल जो कि एंटी चिटिंग सेल जो कि चिटिंग की रोकथाम करेगा, उसके लिए उन्होंने गठन की बात कही है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि जब एंटी ये यूनिट फॉर वीमेन बनाया, उनकी उनके ऊपर अत्याचार के लिए एक यूनिट बनाई, उसके वजह से आज अत्याचार उसके गठन के बाद आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे एंटी चिटिंग सेल का क्या फायदा जो एसओजी के अधीन आएगा और सरकार को जाकर क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से 1-2 पंक्ति कहना चाहूँगा सरकार के लिए कि परीक्षा आप बंद करो, सीधे एक भर्ती काउंटर खोल दो, इस आत दे उस आत ले लीक वीक का भी झंझट खत्म हो जाए, जिससे आज प्रदेश का युवा सरकार पर संघर्ष ना करे, कम से कम एक रास्ता तो उसे मिल जाएगा कि साहब इतना पैसा लगेगा और भर्ती मिल जाएगी, तो उस पैसे का जुगाड़ कर वो तथाकथित व्यक्ति को दे देगा और आने वाले समय में नौकरी भी उसको मिल पाएगी। माननीय सदस्य, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।